CCT, a complete course destination. So, दोस्तों जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग अपनी पिछली क्लास के अंदर क्लास 7 के चैप्टर 2 को पूरा कंप्लीट कर चुके थे जिसका नाम था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. तो हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास के अंदर न्यूट्रिशन इन एनिमल जो कि क्लास 7 का चैप्टर 2 है उसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था. तो आज के क्लास के अंदर हम लोग एक रिवीजन करने वाले, क्विक रिवीजन जो 5-10 मिनट के अंदर हम लोग कर लेंगे और एक रिव्यू क्लास हो जाएगी हमारी आज. तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करेंगे कि आखिर इस क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था. पर उससे पहले जो भी इस क्लास को देख रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. तो चलो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को. तो देखो हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले क्या डिस्कस किया था, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. तो हम लोगों ने देखा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हें जीने के लिए फूड की जरूरत है क्योंकि जो फूड होता है वो उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है, फूड उनको कुछ कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है, कुछ एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको कर पाते हैं. ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं, उन्हें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है अपने खाने के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है. अब देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है दे हैव डिफरेंट वेज टू टेक फूड. हमने देखा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अलग अलग तरीके से अपने खाने को खाते हैं. अब बात कर लेगा ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स खाने को कैसे खाते हैं, खाने को वो माउथ के थ्रू खाते हैं. ठीक है, माउथ से अपने फूड को वो अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं. इसी तरह डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अपने अपने तरीके खाने को खाने के. ठीक है, तो हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था डाइजेशन इन ह्यूमंस, किस तरह से जब ह्यूमंस खाना खाएंगे खाने को वो माउथ से लेते हैं. ठीक है, माउथ में खाना तो लेकर गए, उसके बाद खाने के साथ क्या हुआ ये हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर डीपली डिस्कस किया था कि जब हम लोग खाना खाते हैं माउथ के अंदर हम लोग फूड आइटम को डालेंगे, उसके बाद उस फूड आइटम के साथ क्या हुआ, कहां पर वो फूड आइटम गई, ठीक है, उससे कैसे हमें एनर्जी मिली, ये सब कुछ हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था डीपली. तो देखो डाइजेशन इन ह्यूमन के अंदर डाइजेशन होने के लिए एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. क्या होता है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. जब खाना हमने खाया वो खाना एक लॉन्ग कॉन्टिन्यूस कैनल से ट्रेवल करता है, जिसको हम लोग कह देते हैं एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, उसको हम लोग कह देते हैं एलिमेंट्री कैनाल. अब देखो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका काम क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड. जो खाना हम लोग खाते हैं हमारी बॉडी उसको उसी फॉर्म में यूज नहीं कर सकती. ठीक है, कि कई ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिसको हम लोग उसी फॉर्म में उसको यूज नहीं कर सकते. कुछ फूड आइटम्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो उसको ब्रेक डाउन करने का काम करती है. पहले कॉम्प्लेक्स फूड आइटम्स को ब्रेक डाउन करेंगे, फिर वो जो ब्रेक डाउन होगी फूड आइटम्स की, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की जो ब्रेक डाउन होगी वो यूजेबल फॉर्म होगी, उससे बॉडी जो है यूज करेगी. तो देखिए क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम किसके लिए होता है, इज फॉर ब्रेक डाउन ऑफ फूड. फूड की ब्रेक डाउन करनी इनटू यूजेबल डिसॉल्व फॉर्म के अंदर फूड की ब्रेक डाउन करनी, उसी को हम लोग बोल देते हैं डाइजेशन. ठीक है, ब्रेक डाउन को ही हम लोग बोल देते हैं डाइजेशन. अब देखिए डाइजेशन जो है टू टाइप्स की होती है, डाइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स. अगर देखे डाइजेशन टू टाइप्स की कौन सी है, फर्स्ट इज मैकेनिकल डाइजेशन एंड अनदर वन इज केमिकल डाइजेशन. डाइजेशन टू टाइप की होती है, दैट इज मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन. मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर क्या होता है, फिजिकल ब्रेकिंग क्रशिंग एंड मैशिंग ऑफ फूड. फूड को फिजिकली क्रश करना, ब्रेक करना और मैश करना, ये होता है हमारा मैकेनिकल डाइजेशन. तो देखिए फूड को क्रश करने का काम कौन करता है, जैसे हम लोग खाने को मुंह के अंदर डालते हैं जो हमारे टीथ्स हैं, टीथ्स का यूज हम क्या करते हैं, फूड को पूरा किसमें करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको मैश करने के लिए. हमारे माउथ के अंदर कुछ सैलिवरी ग्लैंड होते हैं जो कि सैलिवा प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं. ठीक है, हम लोग अभी सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से डाइजेशन जो है कितने टाइप्स की होती है. तो मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है, फूड को हम लोग मुंह के अंदर लेके गए, उसको जो हम लोगों ने क्रश किया टीथ की हेल्प से, उसी को हम लोग कह देते हैं मैकेनिकल डाइजेशन. तो हम लोगों ने देखो टीथ्स के बारे में भी थोड़ा पढ़ा था कि जो हमारे लास्ट के थ्री टीथ्स होते हैं दे आर कॉल्ड प्रीमोलर टीथ्स. उसके बाद टू टीथ्स आते हैं दैट आर प्रीमोलर टीथ्स. उसके बाद वन टीथ आता है दोनों साइड में, उसको कैनाइन कहते हैं. और फ्रंट के फोर टीथ को हम लोग क्या कह देते हैं, इंसीजर्स. तो ये हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था. ठीक है,
सेकेंड इज केमिकल डाइजेशन। तो केमिकल डाइजेशन हम लोग अच्छे से डीप में यहां पर पढ़ेंगे जब हम लोग एलिमेंट्री कैनल के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते केमिकल डाइजेशन में क्या होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब देखो तो अगर हम लोग देखें, हमने डिस्कस किया डाइजेस्टिव सिस्टम किसके लिए होता है, फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए इनटू यूजेबल डिसॉल्व फॉर्म। यूजेबल डिसॉल्व फॉर्म में तो ब्रेक डाउन की बात करें तो उसी को हम लोग डाइजेशन कह देते हैं। और डाइजेशन जो है मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन टू टाइप की होती है। अब जब डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग बार बार बोल रहे हैं, ये एक लॉन्ग कॉन्टिन्यूस कैनल है जिसको हम कह देते हैं एलिमेंट्री कैनल। अब ये जो एलिमेंट्री कैनल है इसके अंदर सेपरेट कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर से फूड को ट्रेवल करना होता है। इन कंपार्टमेंट्स में से फूड को ट्रेवल करना होता है और जैसे जैसे फूड इन कंपार्टमेंट्स में से ट्रेवल करता जाएगा डाइजेस्ट होता जाता है। अब देखिए जो एलिमेंट्री कैनल होते हैं उनके पास कुछ पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स विच आर कनेक्टेड इन दिस एलिमेंट्री कैनल। और ये जो पार्ट्स होते हैं इनके स्ट्रक्चर इस तरह से अडेप्टेड होते हैं कि वो फंक्शन कर सके फॉर डाइजेशन, डाइजेशन के लिए फंक्शन कर सके। जो पार्ट्स हैं उनकी स्ट्रक्चर इस तरीके से तैयार होते हैं, ठीक है। अब बात करें डाइजेशन की, तो डाइजेशन कहां पर होती है, इन एलिमेंट्री कैनल। डाइजेशन अकर्स अलोंग दी एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल के अंदर से जैसे जैसे फूड ट्रेवल करेगा वैसे वैसे वो डाइजेस्ट होता जाएगा, ये हमने देख लिया था, ठीक है। अब कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं एलिमेंट्री कैनल में, उनका क्या क्या फंक्शन होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो कौन से पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज माउथ। खाना हमने खाया सबसे पहले माउथ के अंदर गया। अब माउथ के अंदर कुछ सैलिवरी ग्लैंड्स हैं जो कि सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और वो जो सलाइवा है उसका क्या काम होता है, फूड के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट होता है, फूड के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट रहेगा उसको ब्रेक डाउन करना इनटू शुगर, ये काम होता है सैलिवरी ग्लैंड्स का, सलाइवा का, ठीक है, जो कि सैलिवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। तो ये काम कहां पर होता है, हमारे माउथ के अंदर, मतलब कि स्टार्च की डाइजेशन, मतलब डाइजेशन जो है हमारे माउथ के अंदर से ही स्टार्ट हो जाती है। अब माउथ के अंदर जो है खाना क्रश हुआ, मैश हुआ, उसमें से स्टार्च डाइजेस्ट हुआ, अब वो चला गया इंटू आइसोफेगस। आइसोफेगस क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि हमारे माउथ से स्टार्ट होती है, ठीक है, हमारे माउथ से स्टार्ट होगी और जाकर स्टमक पर एंड होगी, ठीक है। ओइसोफेगस का क्या फंक्शन होता है, फूड को फूड उसके अंदर से ट्रेवल करता है, ठीक है, माउथ से लेकर वो स्टमक तक पहुंचता है। और ओइसोफेगस की जो इनर वॉल्स होती है उनका ये काम होता है कि फूड को पुश करती है टुवर्ड्स दी स्टमक, पेट की तरफ पुश करेगी ओइसोफेगस फूड को, ठीक है। अब जो ओइसोफेगस है हमारी, ओइसोफेगस ने फूड को पेट की तरफ पुश करने का काम कर दिया, उसका काम कंप्लीट हुआ, माउथ का काम कंप्लीट हुआ। माउथ ने च्यू किया फूड को, ठीक है, उसको क्रश किया, उसको मैश किया, स्टार्च को डाइजेस्ट किया, भेज दिया फूड को आइसोफेगस में, माउथ का काम हो गया खत्म। अब आइसोफेगस का काम क्या था, फूड को पुश किया टुवर्ड्स दी स्टमक, स्टमक के अंदर पहुंचा दिया, आइसोफेगस का काम भी हो गया खत्म। अब आ गई हमारी स्टमक की बारी। तो देखो स्टमक का क्या काम होता है, स्टमक एक ग्लैंड सैक होता है, ठीक है, बैग लाइक का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है जो कि फूड के साथ जितने भी बैक्टीरिया आए हैं, ठीक है, फूड के साथ जितने भी बैक्टीरिया आए हैं उनको किल करने का काम करता है कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द स्टमक। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तो बैक्टीरिया को किल करेगा, सेकेंड थिंग कि वो स्टमक के मीडियम को एसिडिक बनाएगा, थर्ड थिंग पेप्सिन को एक्टिवेट करेगा जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्पफुल होगा, ठीक है, पेप्सिन को एक्टिवेट करेगा जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ साथ ही स्टमक के अंदर एक म्यूकस भी प्रोड्यूस होता है, म्यूकस रिलीज होता है जो कि स्टमक की जो लाइनिंग है, स्टमक की जो वॉल्स है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाने का काम करेगा, ओके। तो स्टमक का क्या काम था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस किया जिसने फूड को डाइजेस्ट, सॉरी जिसने क्या किया, जितने भी बैक्टीरिया फूड के साथ आए उनको किल करने का काम किया, स्टमक के जो मीडियम को है एसिडिक बनाया, ठीक है, उसी के साथ साथ स्टमक के अंदर जो है म्यूकस प्रोड्यूस हुआ और म्यूकस ने क्या किया, स्टमक की लाइनिंग को बचाया, ठीक है। और उसके बाद कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स आए जिन्होंने फूड को डाइजेस्ट किया। अब स्टमक से जो फूड है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आया,
स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो है जो लिवर की सेक्रेशन होती है और जो पैंक्रियास की सेक्रेशन होती है उसको रिसीव करने का काम करता है. लिवर की सेक्रेशन और पैंक्रियास की सेक्रेशन को रिसीव करती है स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसी के साथ साथ स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट के अंदर फूड की कंप्लीट डाइजेशन होती है, और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसी के अंदर उसकी भी कुछ सेक्रेशन होती है जिसकी वजह से जो फूड है कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है, थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है जिनको हम विलाई कह देते हैं, और वो विलाई जो है ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्ट होती हैं. जब फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया उसके अंदर से कंपोनेंट्स को विलाई अब्सॉर्ब करती है, अब्सॉर्ब करके फूड जो वेसल्स है ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड के थ्रू जो कंपोनेंट्स को है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा देती है हमारी विलाई. ठीक है, अब फूड जो हमारे पास रेजिड्यू बच गया है, अब जो अनअब्सॉर्ब रह गया वो हमारा जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर. लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होगा? जो भी उसके पास अनअब्सॉर्ब फूड आया है उसमें से वाटर एंड सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेगी हमारी कौन? लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन जो है वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेगी और जो अनअब्सॉर्ब रह गया उसे भेज देगी इन रेक्टम. ठीक है, और रेक्टम के अंदर जो है वो अनअब्सॉर्ब फूड जो है फीसेस के फॉर्म में रहेगा और एनस के थ्रू जो है एनस के थ्रू बॉडी से रिलीज हो जाएगा. ठीक है, तो ये पूरे पार्ट्स थे हमारे एलिमेंट्री कैनाल के. हमने एक मिनट में डिस्कस कर लिया कि किस तरह से जो सारे पार्ट्स हैं उनके फंक्शनिंग होती है, किस तरह से अपने अपने काम करते हैं. तो देखो हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर पढ़ लिया कि जो डाइजेशन होती है ह्यूमन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से होती है. डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम होता है? फूड को ब्रेक डाउन करना, ठीक है, इंटू यूजेबल डिजोल्व फॉर्म, यूजेबल फॉर्म में ब्रेक डाउन करना, और इसी ब्रेक डाउन को हम लोग कह देते हैं डाइजेशन. डाइजेशन कहां पर होती है? एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल के साथ कनेक्ट होते हैं कुछ पार्ट्स, और वो पार्ट्स जो है इस तरह से स्ट्रक्चरल होते हैं, उनके स्ट्रक्चर अडेप्ट होते हैं कि वो फंक्शन कर सके फॉर डाइजेशन. कौन से पार्ट्स होते हैं? माउथ, ऑइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. और जैसे जैसे इसमें से फूड जो है ट्रेवल करेगा, जैसे जैसे फूड एलिमेंट्री कैनाल में से ट्रेवल करेगा फूड डाइजेस्ट होता जाएगा. ठीक है, और लास्ट में हमारा फूड जो है कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर. ये हम लोग पूरा अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को. आई होप कि कोई भी प्रॉब्लम इस चैप्टर के अंदर नहीं रही होगी, क्योंकि हम लोगों ने इस चैप्टर को डीपली भी पढ़ लिया और एक क्विक रिविजन भी कर ली. तो आज की क्लास तो हमारी यहीं पे खत्म होगी, और अगली ही क्लास में हम लोग अपने थर्ड चैप्टर को शुरू करेंगे, दैट इज क्लास सेवेंथ के थर्ड चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे, दैट इज फाइबर एंड फैब्रिक्स. ठीक है, तो हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे. आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं. थैंक यू.